आज हम आपको डिज्नीलैंड की सैर करवाएंगे हांगकांग में। ये आप किसी भी स्टेशन से एमटीआर पकड़ें और लाइकिंग में आगे चेंज करें तुंगचुंग की लाइन को ना, और वहाँ से जब आप तुंगचुंग की लाइन पर बैठेंगे तो सनी बे स्टेशन आएगा। सनी बे स्टेशन से उतरकर लाइन चेंज करनी है, वहाँ पर डिज्नीलैंड का अलग ट्रैक होगा और डिज्नीलैंड की अलग गाड़ी होगी, जैसे कि ये आपको हम सामने दिखा रहे हैं। ये डिज्नीलैंड की अपनी ट्रेन है और ये डिज्नीलैंड स्टेशन पे लेके जाती है सीधा। ये ट्रैक है जी जो डिज्नीलैंड पे जाएगा सीधा। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि आपने किसी भी लाइन पे बैठे पर लाइकिंग से आपने ट्रेन चेंज करनी है तुंगचुंग की, वहाँ पे आपने सनी बे जाना है और सनी बे आपने उतर के तो फिर लाइन चेंज करनी है डिज्नीलैंड की। और डिज्नीलैंड की लाइन आप देख रहे हैं सनी बे से पिंक कलर की लाइन है जो डायरेक्ट डिज्नीलैंड पे जाती है। शुक्रिया। अंदर पूरा प्रोटोकॉल रखा हुआ है, जिन्होंने सोफे लगाए हुए हैं ट्रेन के अंदर, ये जो डिज्नीलैंड पे जाती है अंदर उन्होंने अपनी डेकोरेशन भी लगाई हुई है डिज्नीलैंड के तल का। देखिए ट्रेन कितनी प्यारी है यहाँ डिज्नीलैंड की ना, बड़े बड़े इन्होंने सोफे लगाए हुए हैं। टीआर से बाहर निकल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं डिज्नीलैंड की तरफ ना, यहाँ पर एक्सीलेटर लगे हुए हैं ऑलरेडी। जितने भी पैसेंजर आते हैं जिन्होंने डिज्नीलैंड जाना होता है वहाँ ट्रेन से उतर के, ये देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने करके बनाया हुआ है। वो नीचे ट्रेन सारी। अब यहाँ से एमटीआर से हम बाहर निकल जाएंगे और सामने वो देखें डिज्नीलैंड का बोर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी। ये यहाँ से हम बाहर निकला है ट्रेन से, एमटीआर स्टेशन से भी बाहर निकला। ये उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है कि इस रास्ते से गुजर के, क्योंकि स्कैनिंग होती है कोरोना का सिस्टम है ना। ये छोटा सा दवर सा पार करें और अंदर जाके सारी स्कैनिंग वगैरह होगी और वहाँ से उसके बाद का सफ़र जो है फिर अंदर का। जी दोस्तों ये आ गया डिज्नीलैंड, ये उसका गेट था बड़ा सा। अब यहाँ से हम अंदर डिज्नीलैंड की तरफ चले पड़े हैं। ये बाहर से भी इतना काफ़ी लंबा है, आधे घंटे की तो खाली 15-20 मिनट की तो खाली वॉक ही है बाहर की ना। और बाहर भी इतना कुछ है कि बंदा की तबीयत जो है ना वो अंदर जाने से पहले आधी जो है ना बाहर ही राजी हो जाती है। डिज्नीलैंड का फुहारे वाला चौक जहाँ पर उन्होंने अपना डिज्नी खिलाड़ा हुआ है जो पानी के प्रेशर से खड़ा है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता रहेगा ये अप डाउन करता रहता है। अभी धूप की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये साफ नज़र नहीं आ रहा ना। पहले बाहर का हिस्सा दिखाते हैं, बाद में जब अंदर चले जाएंगे तो फिर अंदर तो आपको पता है अलग नज़ारे होते हैं। यहाँ पर डिज्नीलैंड में मंगल के रोज़ और जुमेरात के रोज़ यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे छुट्टी होती है, तो इन दोनों दिनों में आप ना आएँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इन दोनों दिनों में आते हैं तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। फिर आप सिर्फ थोड़ा सा घूम सकते हैं लेकिन बाहर के लिए तरफ अंदर नहीं जा सकते, तो इन दो दिनों का ख्याल रखिए। और बाकी जो मर्जी दिन में आएँ आप, रश ही होगा और आपको जो है पूरा एंटरटेन किया जाएगा। साइडों में इन्होंने पंखे लगाए हुए हैं आवाम के लिए खुले, ताकि लोग यहाँ पर आके बैठ जाएं। ये सारे पुराने स्ट्रक्चर के हैं, ये 24 आवर चलते रहते हैं यहाँ पर जब तक यहाँ पर डिज्नीलैंड के बाहर की हदूद में लोग आते हैं। ये बहुत बड़ा है इसीलिए तो इसको एक अजूबे के तौर पर जाना जाता है, यानी कि मेडिकल के तौर पे। डिज्नीलैंड के बाहर का रास्ता आ गया जी। बाहर के रास्ते के चार चौक बनाए हुए इन्होंने, चारों चौराहों पे तरफ आप जा सकते हैं। बाहर से आप अंदर का नज़ारा तो देख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो असल चीज़ है वो तो शायद आपको नहीं नज़र आएगी जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे। और म्यूज़िक उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, आप जब चाहें म्यूज़िक से आनंद हो सकते हैं। यहाँ पर हम कार्टूनर्स की तस्वीरें देखते हैं। ये छोटे छोटे इन्होंने बार कार्ड के बनाए हैं, उसमें इन्होंने अलग अलग से मुजस्मे तैयार किए हैं, जैसे कि वो बतख हो गई और इंसान, और ज़्यादातर परिंदे ही इन्होंने बनाए हैं क्योंकि डिज्नीलैंड के बेशतर ज़्यादातर परिंदे वगैरह और
जानवर वगैरह ही आते हैं इसमें ना। ये प्रिंसेस बनाई हुई है इन्होंने जल मछली। ये सारा हिस्सा भी पार्क ही चल रहा है म्यूजिक के साथ। वो बड़ी दूर से हम आए हैं, मैंने कहा चलो पहले बाहर का हिस्सा दिखाते हैं, बाद में फिर आपको अंदर ले जाएंगे। अब ये फेरी का हिस्सा शुरू हो जाता है। अगर जो लोग फेरी से आते हैं यानी कि कश्ती से आते हैं बोट पे बैठ कर, तो वो बोट से इस तरह जा सकते हैं। और जो लोग ट्रेन के रास्ते से आए हैं उनको वापस एमटीआर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से फिर एमटीआर को पे करें और उसके बाद जहाँ पे भी उसने जाना है। वैसे यहाँ पर लोग हाइकिंग के लिए भी आते हैं और घूमने के भी लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तफरी के मकामात हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये सारा हिस्सा डिज्नीलैंड को जाता है। और वो पहाड़ भी जो है वो भी डिज्नीलैंड के अंदर ही आते हैं। और ये एक रास्ता से तवील सा गुजर के बहुत दूर से जो जा रहा है ये सारा डिज्नीलैंड को जा रहा है। और ये जो हवेलियाँ अंदर नज़र आ रही हैं ये जो पुराने कोई प्रिंसेस थे वो उनकी हैं। और जब आप डिज्नीलैंड के अंदर दाखिल होंगे तो इनमें जा सकते हैं घूमने के लिए। और ये ज़्यादातर म्यूज़ियम हैं। इसी तरह दोनों अतराफ दूसरी तरफ भी यही नज़ारा है, बहुत दूर तक जाता है घूमता घूमता। आगे से ये वहाँ से टर्न हो जाएगा और उसके बाद बहुत दूर तक जाएगा। जैसे कि ये उन्होंने सारा लिखा हुआ है कितने बजे डिज्नीलैंड की कौन सी हिसाब तब कहाँ से। ये पढ़ लें ताकि ये आसानी हो जाती है बंदे को जब यहाँ पर आता है नेक्स्ट टाइम, कभी भी आना हो, कभी भी हांगकांग का कोई चक्कर लगे तो बंदे को आइडिया हो डिज्नीलैंड के 2-3 रास्ते हैं जहाँ से बंदा आ सकता है। यानी कि एक रास्ता तो हो गया आप बोर्ड के ज़रिए बैठ के आ सकते हैं, दूसरा आप एमटीआर के रास्ते पे आ सकते हैं, और तीसरा बस पे बैठ के आ सकते हैं बाई रोड। तो वो बस भी आपको हम बाद में बता देते हैं कि बस कौन सी आती है यहाँ पर, जो आपको कहीं से भी आप बैठेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ से बस का रूट अलग सा होगा। अभी हम वापसी के लिए चलते हैं डिज्नीलैंड के अंदर जाने के लिए। से बाहर का रास्ता दोनों अतराफ की तरफ समुंदर की तरफ अगर किसी ने बोट्स की तरफ जाना है, और एमटीआर की तरफ अगर किसी ने ये दूसरी तरफ से रास्ता है अगर किसी ने एमटीआर या बस में बैठ के जाना है। और बड़े प्यार और मोहब्बत से उन्होंने लिखा हुआ है थैंक यू फॉर विजिटिंग, जो अंदर आके चला जाता है फिर उसके लिए लिखते हैं। दो पैकेज होते हैं यहाँ पर, 2 दिन का और 1 दिन का ना। 1 दिन का पैकेज जो है वो नॉर्मली 639 का है। अभी स्पेशल ऑफ़र है क्योंकि क्रिसमस है, इस वजह से 699 का डबल पैकेज देते हैं 2 दिन का जो रेजिडेंट है। जो नॉन रेजिडेंट है उनका अलग सा है हिसाब किताब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अंदर जाके, फिर आपको अलग अलग सी वीडियो बता के दिखाते हैं अंदर के नज़ारे दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो फिर तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।